मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ। मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। और हमारे माता पिताओं की इच्छाओं का क्या? समाधान हो विश्वास दो, समाधान हो विश्वास दो, नया चरण है हर्षित मन है विश्वास दो, नया चरण है हर्षित मन है विश्वास दो, समाधान हो विश्वास दो, समाधान हो समाधान हो। हाथों में आकाश उठाए, जिंदगी के स्वप्न उतरे, धूप पहने सामने पथ है मगर है छोर कितने, कौन सी हम राह पकड़े, भ्रमित मन है विश्वास दो, समाधान हो विश्वास दो, समाधान हो विश्वास दो, नया चरण है हर्षित मन है विश्वास दो, नया चरण है हर्षित मन है विश्वास दो, समाधान हो विश्वास दो, समाधान हो समाधान। मंदाकिनी का नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद भी। धन्यवाद किस लिए? धन्यवाद इन ढेर सारे पत्रों के लिए जो तुमने हमें लिखे समाधान के लिए। आज तुमसे ढेर सी बातें करने को जी चाह रहा है। मैं अपनी कहूँ तुम अपनी बताओ। चलो मैं शुरू करती हूँ। मैं कुछ बनना चाहती हूँ। लो पहला कन्फ्यूजन तो यही है, क्या बनना चाहती हूँ, किसकी तरह। अगर ये सवाल हल हो भी जाते हैं तो फिर क्या, कैसे, क्यों प्रश्न खड़े हो जाते हैं। पहले मुझे लगता था कि मुझे बस इंजीनियर ही बनना है। अब मेरी रोल मॉडल है किरण बेदी, साहसी निडर पुलिस अधिकारी। लो मैं तो बस अपनी ही बात कर रही हूँ, तुम भी तो बताओ कौन है तुम्हारे रोल मॉडल्स। मेधा पाटेकर जी को मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ। मैं अपने पिताजी की तरह बनना चाहती हूँ। मेरे रोल मॉडल हैं क्रिस्टोफर रीव्स, वो विकलांग हैं, व्हीलचेयर में बैठे हुए हैं। कोई है ही नहीं अभी रोल मॉडल। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को अपना रोल मॉडल चूज करा है। पर रोल मॉडल्स की आवश्यकता क्यों? रोल मॉडल की जो जरूरत है ये एक भावनात्मक भी हो सकती है, बौद्धिक भी हो सकती है और मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। लेकिन जब बच्चा 16 साल का हो जाता है या 17 साल का हो जाता है तो उसके लगता है कि मैं ऐसा करियर चूज करूं और ऐसे रोल मॉडल से वो प्रभावित हो जाता है जिससे कि वो दुनिया में कुछ बन पाए। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि जरूरी है कि जरूरी कि सबका रोल मॉडल होना चाहिए। सबसे पहले अच्छी पर्सनालिटी बनाने के लिए आपको एक अच्छा रोल मॉडल चुनना जरूरी है। रोल मॉडल तो एक सिर्फ आदर्श का मानवीकरण ही है। हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जब हम चाहते हैं कि हम कहते हैं कि मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं पढ़ सकता, पर जब मैं इन्हें देखता हूँ मुझ में भी हिम्मत आती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आई डोंट वांट टू कॉपी एनीवन। रोल मॉडल्स कॉपी करने के लिए नहीं होते। जो हमारे रोल मॉडल होते हैं हमें उनका अंधा अनुसरण कतई नहीं करना चाहिए। जो उनकी अच्छी बातें हैं उन्हीं को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। सही रास्ते पे चलने के लिए एक रोल मॉडल की आवश्यकता आवश्यकता है, अन्यथा आप भटक सकते हैं। जैसे परिस्थितियाँ बदलेंगी वैसे के वैसे रोल मॉडल बदलते रहेंगे। रोल मॉडल्स का प्रभाव पॉजिटिव हो सकता है अगर हम सही रोल मॉडल चुनें और उनके अच्छे गुणों को अपनाएं। हम अगर रोल मॉडल चुनते हैं तो उनकी मेहनत पे हमको एक नज़र डालनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि वो उस मुकाम तक कैसे पहुँचे, उन्होंने इस मुकाम पर पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की। कोई भी काम इस दुनिया में सफल नहीं हो सकता जब तक आपके पास आत्मविश्वास ना हो, डेडिकेशन नहीं हो। ये चीज़ ये अगर आपके पास हो, आपके अंदर हो, आप कोई भी काम दुनिया में कर सकते हैं। सबके पास कोई ना कोई आदर्श जरूर होना चाहिए जिससे वो प्रेरणा ले सके। इस किशोर अवस्था में बहुत सारे तूफान आते हैं। बच्चे अपनी चॉइसेस जो हैं बदलते भी रहते हैं। सुबह वो अपनी मदर से कहेगा कि मैं मेडिकल की लाइन लूंगा और साइंस और बायोलॉजी लूंगा क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन जब वो क्लास में बैठता है और बहुत मेहनत करने की प्रयास करने की ज़रूरत होती है तो शाम को आके कहता है मेरी तो अकल शकल अच्छी है, मैं क्यों ना मॉडल ही बन जाऊं। और फिर तीसरे दिन वो कहता है नहीं मैं तो इंजीनियर बनूंगा क्योंकि इंजीनियर्स की तनख्वाहें देखो पेपर में आई हैं कितनी ज़्यादा हैं, तो मुझे तो इंजीनियरिंग करनी है। अब अगर बच्चों को
कोई भी डिसीजन लेनी है तो उसके लिए उन्हें रोल मॉडल्स को देखना बहुत जरूरी है और ऐसे ऐसे सक्सेस स्टोरीज वो पढ़ें जिससे कि उनको ज्ञान रहे कि कितनी मेहनत के बाद कौन कहाँ पहुंचा, कितनी पढ़ाई की जरूरत है और कुछ भी बहुत जल्दी नहीं मिलता। सही है, रोल मॉडल्स हों तो, पर व्यावहारिक होकर सोचें। साथियों, ये चर्चा तो बहुत आगे तक जारी रखी जा सकती है, पर अब हमें करियर की बात भी तो करनी है। हमारे कुछ साथियों ने भारतीय नौसेना ज्वाइन करने के विषय में पूछा है। चलो नौसेना कार्यालय, वहीं से लेते हैं नौसेना ज्वाइन करने से संबंधित जानकारी। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे इतने सारे किशोरों ने नौसेना में भर्ती होने का अपनी इच्छा जाहिर की है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप नौसेना में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको जल्दी जिम्मेदारी उठाने की इच्छा होनी चाहिए और साहसिक कार्य और चुनौतियों को लेने की भी आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। इसके अलावा जो पारंपरिक मूल्य हैं वो भी आपके अंदर होने चाहिए, तभी आप नौसेना में सफल हो पाएंगे। जहाँ तक अकादमिक पक्ष का सवाल है तो मैं इसको दो रूप में बताऊँगा। हमारे यहाँ दो भर्ती होती हैं, एक तो अफसरों के लिए और एक सेलर्स के लिए। पहले मैं सेलर के लिए बताता हूँ। अगर आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है तो आप सेलर के लिए भर्ती हो सकते हैं। इसमें हमारे यहाँ ख़ास तौर पर दो एंट्री हैं। अगर आप 15 से 18 वर्ष के हैं और आपने हाई स्कूल की परीक्षा 60% मार्क से या इंटरमीडिएट की परीक्षा 55% मार्क से पास की हुई है साइंस से और मैथ से, तो आप साल में हमारे यहाँ दो बार इसकी एंट्री निकलती है, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने हाई स्कूल की परीक्षा 55% मार्क से पास की है या इंटरमीडिएट की परीक्षा 50% से पास की है तो आप एक और एंट्री है मैट्रिक एंट्री रिक्रूट, उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें आपकी आयु 17 साल से 20 साल तक होनी चाहिए। इस एंट्री की भी एडवर्टाइजमेंट साल में दो बार निकलती है, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। सेलर्स में ही एक तीसरी एंट्री है। अगर आपने हाई स्कूल के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, इसकी किसी भी ब्रांच में, यांत्रिकी में, इलेक्ट्रिकल में या इसी तरह और किसी ब्रांच में, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको ऑफिसर एंट्री के बारे में बताता हूँ। इसके लिए आपको कम से कम 12th स्टैंडर्ड साइंस और मैथ से पास होना चाहिए। इसमें हमारे यहाँ दो एंट्री हैं। अगर आपने 12th स्टैंडर्ड फिज़िक्स मैथ्स से पास किया हुआ है तो साल में दो बार एंट्री निकलती है, एक तो NDA के थ्रू होती है और एक नेवल अकेडमी के थ्रू होती है। ये दोनों ही एग्ज़ाम UPSC के थ्रू होते हैं, आप इनमें ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी उम्र 16.5 साल से 19 साल तक होनी चाहिए। एक और एंट्री है, अगर आप इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो 10+2 टेक एंट्री होती है, लेकिन उसमें आपको 70% नंबर होने चाहिए आपके और 50% नंबर अंग्रेज़ी में होने चाहिए। इसकी साल में एक बार एंट्री निकलती है, उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। लड़कियां भी नौसेना में भर्ती हो सकती हैं, लेकिन सेलर्स के रूप में नहीं, सिर्फ अधिकारियों के अफसरों के रूप में। इसके लिए 4 शाखाएं हैं जिनमें हम लड़कियों को लेते हैं। इसमें एजुकेशन, उसके लिए आपको MSc होना चाहिए फिज़िक्स या मैथ से, या BE आपने किया हो। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स है, उसमें आपको BCom या BSc किया होना चाहिए। फिर लॉ है जिसमें आपको ऑफकोर्स LLB किया होना चाहिए, और एक और है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिसमें आप BSc होने चाहिए। इनकी भी भर्ती समय समय पर निकलती रहती है, आप इसको देख सकते हैं और इसके लिए भर्ती भर सकते हैं। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ये 7 साल के लिए पहले दिया जाता है, उसके बाद 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। नौसेना में भर्ती होने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप में साहसिक और चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपको बहुत जल्दी जिम्मेदारी उठाने का भी एक आपके अंदर जज्बा होना चाहिए और इसके साथ साथ जो पारंपरिक मूल्य हैं उनमें आपकी रुचि होनी चाहिए, तभी आप एक सफल नौसैनिक बन सकते हैं। अगर आप इसके अलावा और कुछ जानना चाहते हैं तो हमारा पता है भर्ती प्रचार सेल, कमरा नंबर 32, नौसेना मुख्यालय, ए विंग, सेना भवन, नई दिल्ली, 110011। साथियों, क्या कह रही थी मैं? अरे मैं तो भूल ही गई, क्या कहना था तुमसे? हाँ याद आया, मैं अक्सर भूल जाती हूँ।
क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो बहुत होता है, और जब इम्तिहान नजदीक हो तो और भी ज्यादा। अब पढ़ा तुरंत भूल गए, लगता है कुछ याद ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्या तनाव के कारण? मुझे तो लगता है यह सचमुच एक समस्या है। हमारे एक साथी ने भी लिखा है, मैं बहुत भूलती हूँ, यह भूलना मेरी समस्या बन गई है। परीक्षा पास आती है तो भूलना और बढ़ जाता है। शाम को पढ़ती हूँ, सुबह भूल जाती हूँ, क्या करूँ? आप रास्ता सुझाइए। भूलना तो एक ऐसी समस्या है जो किशोर ही क्यों, पढ़ने वाले बच्चे ही क्यों, हम, मैं, आप सब ही इससे किसी न किसी समय में जरूर ग्रसित होते हैं। एक ऐसा कुछ स्थिति आ जाती है जिंदगी में, कभी तो बहुत तनाव हो जाता है तो बहुत कुछ जो याद किया हुआ है वो भूलने लग जाता है, और कभी हम कुछ जितना कोशिश करते हैं ना तो ध्यान लगा पाते हैं पढ़ने में, और जितना ही ध्यान लगाने की कोशिश करते उतने और नाकामयाब होते हैं। उससे तनाव और बढ़ता जाता है और जो कुछ भी याद है वो भी भूलता जाता है। मेरे साथ भी ये बचपन में बहुत हुआ करता था, और होता था स्पेशली इम्तिहान के समय। जो चीज़ मैं कोशिश करती थी कि बहुत याद रखूं, मैं उस पर इतना मुझे टेंशन, इतनी तनाव होने लग जाता था कि वही चीज़ दिमाग से सफा चट। तो भूलना तो एक ऐसी चीज़ है जो सबके साथ है, तो इसकी तो चिंता, इसको एक समस्या की तरह ना देख के हम देखते हैं कि हम कर क्या सकते हैं इसके बारे में। कुछ एक चीज़ें हैं जो छात्र, पढ़ाई वाले छात्र स्पेशली ध्यान रखें, वो ये कि एक तो हमें अपना जीवन अनुशासित रखना चाहिए। समय पर खाना, समय पर सोना और समय पर ढेर सारा खेलना। और ध्यान लगाने के लिए एक चीज़ बहुत हमारी मदद करती है, वो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी कि गहरी सांस लेना। सुबह, दिन में, शाम को जब भी आपको समय लगे, या पढ़ते पढ़ते जब भी आपको थकान महसूस हो और लगे कि बस अब कुछ याद नहीं हो रहा, तो बाहर जाइए, बालकनी में खड़े होइए और गहरी सांस लीजिए। पहले मुंह के द्वारा पूरा सांस निकालिए, और पेट पिचक जाना चाहिए इसमें, फिर धीरे धीरे नाक के द्वारा सांस अंदर लीजिए और गहरी नीचे तक सांस लीजिए। कुछ समय 1, 2, 3 की गिनती तक रोकने की कोशिश कीजिए और फिर उसे धीरे धीरे मुंह के द्वारा फिर बाहर निकालिए। इस प्रक्रिया को अगर आप दिन में 2 या 3 बारी या जितनी बारी भी आप चाहें करें, और हर समय 5 या 6 बारी तो ज़रूर कीजिए, 5 या 6 बारी गहरी सांस लेना। इससे आपका मस्तिष्क, मन एकदम ताज़ा दिमाग हो जाएगा, आप ताज़ा महसूस करेंगे और आप अच्छी तरह मन लगा के, ध्यान लगा के पढ़ सकेंगे, और ऐसे में आपकी मेमोरी, याद करने की क्षमता भी बढ़ती है। और इसके बाद 2-1 चीज़ें और जो हमें ध्यान रखनी चाहिए इम्तिहान के पहले। पहली बात ये कि इम्तिहान से 1 दिन पहले कोई नई चीज़ ना पढ़ें, कोई नया टॉपिक ना लें, जो कुछ भी पहले याद है उस ही को रिवाइज करें और ज़्यादा समय उस पर मत बिताएं। रिवाइज करके अच्छी तरह अपना नींद पूरी तरह से लें, ताकि अगली सुबह जब हम इम्तिहान देने जाते हैं तो हमारा दिमाग एकदम ताज़ा और फ्रेश हो, और जो कुछ भी हमें याद है वो हम अच्छी तरह से लिख पाएं। और एक बात बहुत ज़रूरी है, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें थोड़े थोड़े समय बाद एक ब्रेक लेना चाहिए। ये नहीं कि हम लगातार 7 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये किसी के भी दिमाग की क्षमता नहीं होती इतना पढ़ पाने की। तो हमें थोड़े थोड़े समय बाद छोटी छोटी ब्रेक लेनी चाहिए, और इस ब्रेक में ये नहीं कि हम टेलीविज़न के आगे बैठ जाएं जाके, क्योंकि टेलीविज़न के आगे पिक्चर या गाने या इस तरह का बहुत स्टिमुलेटिंग चीज़ देखने से जो याद किया है वो भूल सकता है। अच्छा ये रहे कि पढ़ाई के बाद छोटी सी एक वॉक ले लें, या बैठ के डीप ब्रीदिंग कर लें, या लेट जाएं, आंखें बंद करके लेट जाएं 10 मिनट। उससे आपका जो कुछ याद किया, जो आपने पढ़ा है, वो रिटेन हो जाता है, वो हमारी मेमोरी में याद रह जाता है। लेकिन अगर उसके तुरंत बाद अगर हम कुछ बहुत एक्साइटिंग चीज़ करें तो वो हमें भूलता जाता है, क्योंकि जो नया स्टिमुलस है वो पुराने की जगह ले लेता है। इसी वजह से जब हम तनाव में भी होते हैं, हमारा दिमाग एक तनाव से भरा रहता है, तो इसलिए कोई भी नई चीज़ पढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम अपने आप को तनाव से मुक्त रखें, डीप ब्रीदिंग करें, समय पर खाएं, पिएं, खेलें और पढ़ें और सोएं, तो
तो हम अपने इम्तिहान में बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। और एक बात याद रखें, ये इम्तिहान हमारी ज़िंदगी का इम्तिहान तो नहीं है, ये एक एक छोटा सा स्टेप है हमारे फ्यूचर की तरफ। इसे हमने ध्यान से लेना है, लेकिन इससे हमें हारना नहीं है, इससे हमने दोस्ती करनी है और तनाव से मुक्त रहना है। साथियों, आपसे बातें करने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे समाधान के इसी मंच पर, कुछ अलग इश्यूज, कुछ सरोकार लेकर। समाधान का मंच है आपकी करियर संबंधी, भावनात्मक संबंधी विचारों के आदान प्रदान का मंच। एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि हमें पत्र लिखते समय समाधान अवश्य लिखें, नहीं तो हो सकता है कि आपके पत्र हमें मिले ही ना। पता कुछ इस प्रकार लिखें: समाधान, तरंग, पोस्ट बैग नंबर 40, हौस खास, नई दिल्ली 110016। तो साथियों, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली बार।